यस सर। भाई मेरे इंडिया का नंबर वन इंस्टीट्यूट कौन है? इंडिया का नंबर वन इंस्टीट्यूट कौन है? और इंडिया का नंबर वन स्टूडेंट कौन है? 28 अक्टूबर की बैच। वेरी गुड, 28 अक्टूबर की। हेलो, थैंक यू वेरी मच। तो नमस्कार दोस्तों, मैं एसे टेलीकॉम से दुर्गेश और हमारे साथ हैं मिलन सर। हेलो। और हमारे साथ दो स्टूडेंट भी हैं। तो आज इनका थ्रू आउट ये क्यों खड़े हैं, क्योंकि आज इनका है फेयरवेल का दिन। वन डे से लेकर के लास्ट डे तक इनका सफ़र कैसा रहा, थ्रू आउट डिसिप्लिन कैसा रहा, सब कुछ कैसा इन्होंने किया, बैकअप सपोर्ट इनको कैसे मिलने वाला है, तो वो सारा कुछ हम यहाँ पे इनसे पूछने वाले हैं कि आज जब ये पहले दिन से आए थे और अभी इन क्या लेकर के जा रहे हैं। तो चलिए, आप अपना नाम और कहाँ से हैं आप? सर मेरा नाम राहुल है, मैं यूपी गाजियाबाद से हूँ। राहुल, हमें आप ये बताइए, जब आप फर्स्ट डे यहाँ पे आए थे तो क्या सोच के आए थे कि हम ऐसे टेलीकॉम जा रहे हैं, हमें क्या सीखने को मिलेगा क्या नहीं मिलेगा? सर सीखने के लिए तो सर मैं बहुत कुछ उम्मीदें लेकर आया था और उस पर खरे भी उतरे हैं सर। यहाँ पे मतलब इंस्टीट्यूट भी अच्छा है और यहाँ के टीचर्स भी अच्छे हैं, अच्छा सीखने को मिला है यहाँ। तो जब आपने सबसे पहले हार्डवेयर का कोर्स किया यहाँ पे, तो देव सर के साथ कैसा रहा? देव सर के साथ हार्डवेयर बहुत सर उनके साथ तो बहुत बेस्ट रहा, चाहे वो ट्रेसिंग का हो, चाहे वो कंपोनेंट का हो, चाहे वो फॉल्ट फाइंडिंग हो, डेटा सेक्शन, नेटवर्क सेक्शन कैसा रहा? सर बहुत अच्छा रहा, उनकी जो नॉलेज है सर उनकी मुझे नहीं लगता ऐसी नॉलेज कहीं मिलेगी हमें। कहीं मिलेगी जी सर। उसके बाद हमने सॉफ्टवेयर क्लास ज्वाइन किया, तो सॉफ्टवेयर का सफर कैसा रहा? सॉफ्टवेयर का तो सर उससे भी मतलब बेस्ट, हमेशा बेस्ट ही मिला है, जब भी मिला है सॉफ्टवेयर में भी बेस्ट मिला है। उसके बाद फिर सर मिलन सर मिले, मिलन सर की क्लास हुई एमएमसी क्लास, जिसमें ब्लैक पेस्टर डुअल टेकर और यहाँ पे एमएमसी की प्रोग्रामिंग, एमएमसी चेंज करना, अपग्रेड करना, तो कैसा रहा मिलन सर के साथ? बहुत अच्छी क्लास रही सर, मतलब बहुत अच्छे से समझ भी आया और उस पर हम फोकस भी करेंगे और उम्मीद है कि मतलब अच्छा उसमें रिजल्ट आएगा। यहाँ से जाने के बाद प्लानिंग क्या है आपकी? प्लानिंग सर पूरा बेस्ट करेंगे, अब जाके बेस्ट करेंगे जी सर। टूल्स परचेस करेंगे कि नहीं करेंगे? टूल्स बिल्कुल करेंगे सर, पहले मैं टूल्स इसलिए परचेज नहीं कर पाता था पूरे, मैंने करे इसलिए नहीं थे क्योंकि नॉलेज ही नहीं थी। जो मेहनत आपने यहाँ पे की है 28 दिन, वही मेहनत आप जा करके अपनी शॉप में करने वाले? जी सर बिल्कुल करूँगा। चलिए ठीक है, नेक्स्ट, थैंक यू सो मच। अब हमारे मिलन सर पूछेंगे कि नेक्स्ट स्टूडेंट। हमारे साथ और एक स्टूडेंट है, क्या नाम है आपका? यस सर, मेरा नाम नौशाद है, मैं प्रतापगढ़ यूपी से हूँ। प्रतापगढ़ यूपी से है। बताइए, आप डे वन जब आए आपने? यस सर। देखिए आप तो आए हैं, मतलब एक दिन फॉलो करके नहीं आए हैं, कम से कम 6 महीने 1 साल वीडियो देखे हमारी, और अब देखते देखते आप ये भी देखे होंगे, आप जैसे बहुत सारे स्टूडेंट का रिव्यू भी देखे होंगे। यस सर। और वहाँ पे जो रिव्यू मिलता था और आज आप लाइव खड़े होके रिव्यू दे रहे हैं, उसमें क्या अंतर है कुछ? नहीं सर, कुछ अंतर नहीं है, जो कुछ है सब अच्छा है, सब अच्छा ही हुआ। ऐसा नहीं प्रेशर देके बोला जा रहा है कि आप? ऐसा कुछ ही नहीं है प्रेशर, कि आप मान के चलो इतने स्टूडेंट हैं, कितनों को प्रेशर दे सकते हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं जो सोच के आया था उससे कहीं ज़्यादा मिला मेरे को, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर एमएमसी सब में सब कुछ मिले, सारी जानकारी मिली है। अब यही हमको करना है लगातार, क्योंकि मुझे इस फील्ड में काम करना है तो करते ही रहना है। आप सबकी मतलब सपोर्ट रहेगा, लाइफ टाइम सपोर्ट है, हम अपडेट होने के लिए आएंगे, जो जहाँ फंसते हैं फोन पे भी सपोर्ट है, कॉलिंग सपोर्ट है, सारा कुछ सिस्टम है, कोई दिक्कत नहीं है, हम उम्मीद है हम कर लेंगे। अब मेरी और हार्डवेयर जब पड़े हैं, अब एक कैपेसिटर की अगर ना होने पर क्या प्रॉब्लम आ सकता है, इसको बारे में बताइए सर। एक कैपेसिटर फोन को ऑन कर सकता है, एक कैपेसिटर रहे तो फिर लोगों पे ही रखता है, लोगों पे रखता है। ये सब के बारे में पता है आपको पूरी सब कुछ? ये भी पता चला कि कैपेसिटर से वो ब्राइटनेस कम ज्यादा बंद हो जाता है ना, ये भी पता चला मेरे को, ये भी पता चला आपको। अच्छा अच्छा, नेक्स्ट मैं बात करना चाहूंगा आपसे कि जैसे आपके डेट सेक्शन चला देव सर के साथ, डेट सेक्शन कैसा रहा? सर डेट सेक्शन तो पहले मान के चलो वैसे ही बैटरी बूस्ट वगैरह, कितना आसान हुआ डेट से फाइंड फॉल्ट फाइंड, कहां से शुरुआत करें? मतलब मल्टीमीटर लगाएंगे, जहां जहां हमें चेक करना सब चेक करके खुद ही पता चल जाए कि हमें काम कहां करना है। अब बिल्कुल, क्योंकि डेट सेक्शन में हम समझ ही नहीं पाते हैं कि कहां से शुरुआत करें, हीट मारे कि क्या करें, कि आपको अभी पता है डीसी रीडिंग से पता कर सकते हैं कि क्या फॉल्ट है? यस सर, डीसी रीडिंग से भी पता चल सकता है, एमपीआर में से भी पता चल सकता है, थोड़ा पता चल सकता है कि कहां से क्या करना है, कहां तक काम है। यस सर। नेक्स्ट मैं बात करूंगा, जैसे उसके बाद आपने दुर्गेश सर से मिले, सॉफ्टवेयर के बारे में क्या, इससे पहले आप सॉफ्टवेयर काम करते थे? बहुत कम करता था सर, मतलब मान के चलो अगर एक फोन आ जाए 3 दिन निकल जाते थे मेरे। अच्छा, फाइल की बात करूंगा कि एक फोन के लिए 3-3 फाइल या 4-4 फाइल डाउनलोड करते थे, अभी क्या ये करेंगे? अब नहीं करना पड़ेगा सर, ने ट्रिक बता दिया क्या देखना है मेरे को और कहां से देखना है, कैसे देखना है, यहां तक पीसीबी खोल के उसमें भी मॉडल रहता है, उसके थ्रू हम जा सकते हैं, पीडी पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद हम फाइल डाउनलोड करके एक बार में डन कर देंगे सर। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात करूंगा, जैसे मेरे साथ आपने आए, मेरे साथ आने के बाद आपने एमएमसी शुरुआत किया, पेस्टेड आई से शुरुआत किया, एमएमसी के बारे में क्या बोलना चाहेंगे? एमएमसी सर एकदम बेस्ट रहा आपके साथ सर, क्या बताएं, बिल्कुल
आप एमएमसी के हीरो हैं सर, आप यही कहना चाहेंगे? आपके साथ मतलब मैं काम किया, आपके मतलब आप थे मेरे साथ, मैं 3 दिन लगातार टेस्टेड उचारा। पहले दिन तो मान तो एनसी कुछ गए थे, उसके बाद 2 दिन से प्लस मतलब कुछ भी नहीं गया, और लास्ट दिन तो डबल टेकर पिक भी लिया हूँ। अच्छे से डबल टेकर किए सर, अच्छे से किए। आगे जाकर प्लानिंग क्या है, क्या करना चाहिए, प्रैक्टिस करना चाहिए या पूरा जाके काम शुरुआत करना चाहिए? नहीं सर, देखो मेरे पास शॉप नहीं, मैं किसी के यहाँ काम करता हूँ, उनसे बात किया था, उन्होंने बोला ठीक है आप सीख के आओ, मैं आपको एक टेबल दे देता हूँ, आप काम करना, जब तक मेरे साथ रहना करना, नहीं तो अपना कर लेना। हम क्या ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं। अब भाई जैसे मानते मेरे हैं तो दूर के, पर मानते बहुत हैं मेरे को, मैं उनके साथ काम करेंगे। थैंक यू वेरी मच आप दोनों को, और आप, मैं आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छा काम करेंगे, अपने शहर में अपना नाम जो है बहुत अच्छे रोशन करेंगे। ऐसे टेलीकॉम आपके साथ लाइफ टाइम जुड़ा हुआ है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। तो आपको ये देखकर और अच्छा लगा होगा कि एक इंस्टीट्यूट बैकअप को भी सपोर्ट दे रहा है ना, मतलब पुराने स्टूडेंट को भी बुला रहा है, सपोर्ट दे रहा है। लास्ट डे क्या करके गए? लास्ट डे हम लोगों ने डबल डेकर सीपीयू को मतलब जो है निकाले, और उसके बाद रिवॉल्व भी किए, उसको लगाए भी पूरा पूरा। लास्ट डेट आपने क्या किया? सर डुअल टेकर सीपीयू, डुअल टेकर सीपीयू आपने रिबोलिंग और रिबोलिंग किया, निकाला, क्लीन किया, वो मैटर समझ में आई आपको? बिल्कुल सर। सीपीयू भी किया, लास्ट डे क्या करके गए? लास्ट डबल डेकर किया है। डबल से लास्ट डे क्या करके गए? सर डबल टेकर किया लास्ट में। डुअल टेकर किया ना, आपने लास्ट डे क्या किया? डबल टेकर सीपीयू करके गए। चाहता हूं आखिरी दिन आपने क्या किया? सर डबल टेकर सीपीयू, डबल टेकर सीपीयू कैसे रिबोल करके लगाना है, क्लीनिंग प्रोसेस, ये सारी चीज की, ये आपने की है, सारे स्टूडेंट ने की, सब स्टूडेंट ने। आज आपने क्या किया आज के दिन बताओ? सर डबल टेकर क्या है, मैंने ओपनिंग, क्लीनिंग और रिबोलिंग। बहुत अच्छे किया आपने, पहले आप पूरी क्लास में पहले थे जिसने सबसे पहले डन किया। बिल्कुल। आज आपने क्या किया आज के दिन में बताया? आज हमने डबल डेकर किया सर। डबल डेकर किया आपने? आप मेरे साथ जिन्हें आज आपने क्या करवाया? सीपीयू डबल डेकर जो होता है उसको निकाल के रिवॉल्व करके वापस पूरी क्लीनिंग प्रोसेस करवाई। आप मेरे साथ ने क्या किया आज के दिन? सर डुअल डेकर, डुअल डेकर सीपीयू आपने क्या क्या किया उसमें बताया? सर डुअल डेकर निकाल के फिर लगाए, मतलब उसका रैम क्लीन करके और उसका सीपीयू, और किस सिस्टम से किया आपने? यूनिवर्सल प्रैक्टिकल करने मिलता है कि नहीं मिलता? सर बिल्कुल मिलता है। आज आपने क्या किया? डुअल डेकर सीपीयू किया यहाँ पर, या आपने खुद किया? खुद से? यस सर खुद किया। आपने क्या किया आज के दिन का बताओ? आज मैं आज डबल डेकर सीपीयू कर रहे हैं आप, उसको भी किससे किया आपने? यूनिवर्सल स्टेंसिल से। यस सर यूनिवर्सल। ऐसा कुछ आपने आज आखिरी दिन क्या किया? आज आखिरी सर आज आखिरी दिन था सर, हम सब ने